हेलो फ्रेंड्स, नेहा टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं जेरेनियम फ्लावर से। मेरे सारे जेरेनियम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप सभी देखिए। यहाँ सारे मेरे जेरेनियम के प्लांट्स रखे हुए हैं और सब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है। नए बर्ड्स भी आ रहे हैं और फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत सारे फ्लावर स्पेंट हो रहे हैं। इन्हें ऐसे नीचे से पूरे हटाते जाएंगे तो ये और आगे अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और नए बर्ड्स बनेंगे। जेरेनियम बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और गुच्छों में फ्लावरिंग होती है इसमें, अगर आप टाइम टाइम पे इसकी डेड हेडिंग करते रहेंगे। ये पिंक कलर का जेरेनियम और ये रेड कलर का है। ये बहुत ही प्यारा कलर है, रानी पिंक बोल सकते हैं इसे। और ये व्हाइट कलर तो आपने देखा ही है। ये अलमंडा का प्लांट है, येलो कलर वाला। ये मैं अभी नर्सरी से लेके आई हूँ। इसमें समर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम एड किया है अपने गार्डन में, अब इसके फ्लावरिंग का मुझे इंतज़ार है। और फ्रेंड्स, ये थल कमल है, ये भी मैं अभी अभी नर्सरी से लेके आई हूँ और ये मुझे 60 रुपये का प्लांट मिला है। प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। ये अलमंडा का प्लांट भी बहुत हेल्दी है। और फ्रेंड्स, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये मैं अभी लेके आई हूँ। और इधर मेरे सारे लिली हैं, इसमें मैरीगोल्ड के प्लांट उगाए हैं। इनको देखती हूँ ये देसी है कि कौन सी वैरायटी के मैरीगोल्ड है। देसी में अभी समर आ गया है, फ्लावरिंग कम होती है फ्रेंड्स, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे तो इन्हें रखूंगी, नहीं तो हटा दूंगी मैं इन्हें। ये भी मेरा यहाँ पे भी रैन लिली के प्लांट्स, इधर सारे रैन लिली के प्लांट्स ही रखे हुए हैं जो मैंने पिछले महीने अलग अलग सेपरेट किए थे। ये पहले एक ही पॉट में थे सारे और बहुत सारे बल्ब्स इसके रेडी हो गए थे तो इन सबको मैंने सेपरेट कर दिया है। और ये गुड़हल, बहुत ही प्यारा रंग है इसका। गुड़हल का मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। इधर ये देसी गुड़हल भी है और ये वाइट कलर का गुड़हल है। अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी पिछले महीने, अभी तो नहीं हो रही है। बर्ड्स बने हुए हैं इसमें भी और इसमें भी। देखिए, मैरीगोल्ड के प्लांट उगाए हैं। मैरीगोल्ड के प्लांट तो मेरे लगभग बहुत सारे पॉट में अपने आप ही जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे इनको हटाने का भी मन नहीं होता है। इधर सारे विंका के प्लांट्स, ये देसी विंका है व्हाइट और पर्पल कलर का, जेंटा कलर का ही हिबिस्कस है। अभी फ्रेंड्स सुबह के 8 बजे हुए हैं इसलिए फ्लावरिंग पूरी नहीं हुई है, थोड़े ही देर में ये फ्लावर खिल जाएंगे। देखिए, इसमें 2 बर्ड्स बने हुए हैं, सॉरी 2 बर्ड्स खिलने, सॉरी 2 फ्लावर खिलने को तैयार हैं और कुछ ही देर में ये खिल भी जाएंगे अपे। और ये मिनी हिबिस्कस, इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स और ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता। इसमें भी 2 फ्लावर आए हुए हैं आज और काफ़ी सारे बर्ड्स भी इसमें बने हैं। इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होते रहती हैं, हर दिन इसमें 1-2 ऐसे फ्लावरिंग बने रहती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्लांट में कभी भी फ्लावर नहीं थे। और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये वाइट कलर का, अभी सुबह का टाइम है, बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो मैं भी वीडियो बना नहीं पाती, इसलिए अभी आई हूँ, इसलिए अभी बना रही हूँ। अभी फ्लावर्स अच्छे से खुले नहीं हैं लेकिन। और ये रेड कलर का हिबिस्कस, इधर मेरे रखे हुए हैं टोरेनिया।
देखिए ये दोनों टोरिनिया बहुत ही छोटे पॉट में लगे हुए हैं, और कल बाहर गई थी तो मैं पानी नहीं डाल पाई थी, तो ये छोटे पॉट होने के कारण से दोनों मुरझा गए हैं। अभी अभी डाली हूँ पानी। और ये भी विंका है इधर भी। यहाँ पे देखिए मैरीगोल्ड कितना अच्छे से खिल रहा है। फ्रेंड्स ये एक ही प्लांट है और देखिए इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। समर स्टार्ट हो गया है फिर भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। इसमें आप समर में मैरीगोल्ड अगर अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा पॉट दें जिसमें मिट्टी जल्दी से ड्राई ना हो, तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मैरीगोल्ड पे फ्रेंड मैंने फुल केयर का वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप उसे भी देख सकते हैं। और इसी में देखिए डैंथस, इसकी कटिंग मैं यहाँ पर लगाई थी, उसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इधर है येलो कलर का हिबिस्कस, और ये देखिए ये ऑरेंज हिबिस्कस है, इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं, दो दो बर्ड्स खिलने को तैयार हैं, कल खिल जाएंगे ये। और काफ़ी सारे बर्ड्स इसमें बन रहे हैं छोटे छोटे, आप देखिए। हिबिस्कस परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में हिबिस्कस ज़रूर ऐड करें। और बहुत सारे कलर्स ऑप्शन में आते हैं ये, तो आप धीरे धीरे करके सारे कलर्स अपने गार्डन में ऐड करें तो आपका गार्डन हमेशा कलरफुल रहेगा। ये ऑरेंज हिबिस्कस ये कल खिला हुआ था, आज तो थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है ये। इसमें भी देखिए कितने सारे बर्ड्स बन रहे हैं, आप खुद ही देखिए इसमें, ये दोनों कल खिल जाएंगे। यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी एक एक है, यहाँ पे ये एक है और एक और है, ये सारे कल एक साथ खिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा बताइए। और फ्रेंड्स ये सनफ्लावर है, ये मीडियम साइज का सनफ्लावर है, मैं मिनी सनफ्लावर है करके लेके आई थी, पर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ये और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये मीडियम साइज का है। मुझे अभी मिनी सनफ्लावर की तलाश है, अगर किसी के पास होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप अपना चार्ज और शिपिंग चार्ज भी मुझे बताएंगे तो मैं वो आपसे परचेस कर लूँगी। हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं ये, मैंने जितने भी नर्सरी यहाँ पे देखे हैं सबके पास इसी वैरायटी के सनफ्लावर हैं। यहाँ पर एक और हिबिस्कस का प्लांट ऑरेंज कलर का, एक ये ऑरेंज है और ये इसका दूसरा ही सेट का ऑरेंज है, ये थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मेरे पास दो ऑरेंज के और भी हिबिस्कस हैं पर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ये भी बहुत ही प्यारा सा है। रखे हुए मेरे इम्पेशंस के प्लांट और क्रिसेंथेमम जो मैंने सेव किए हैं वो भी रखे हुए हैं, और ये भी इम्पेशंस है वाइट कलर का। और यहाँ पे देखिए ये विंका, विंका भी मेरे सारे पॉट में अपने आप जर्मिनेट हो रहे हैं अलग अलग रंगों में, और धीरे धीरे मैं उनको रिपॉट कर रही हूँ। और ये एक और टोरेनिया, और ये मैरीगोल्ड, ये अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं, इनका सीड्स मुझे कलेक्ट करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वाला है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। ये हाइब्रिड वैरायटी का लग रहा है, सीड्स डालने पर जर्मिनेट तो नहीं हुए मुझसे, पर ये पता नहीं किसी पॉट में अपने आप जर्मिनेट हो गया है, और उसको मैं सेपरेट की हूँ जब फ्लावर्स देखी इसके। तो कई बार ऐसे भी होता है हमारे साथ कि जब हम प्रयास करते हैं तो होता नहीं है, लेकिन अपने आप ही ये जर्मिनेट हो भी जाते हैं अगर सीड्स कहीं पे गिरे रहते हैं तो। और फ्रेंड्स ये मेरा नागचंपा का प्लांट है, आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है। आप समर में नागचंपा ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स, ये देखिए। और बर्ड्स भी बहुत बन रहे हैं इसमें, इसके जितने भी ब्रांचेस हैं सब में बर्ड्स बन रहे हैं। और ये वाइट कनेर, इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और सारे ब्रांचेस में बर्ड्स भी बन रहे हैं। ये सारे विंटर में डोरमेंसी पीरियड में होते हैं और जैसे ही समर आते हैं तो ये अपनी फुल ब्लूमिंग पे आने लग जाते हैं। ये विंका,
और यहाँ पे रखा है डेंथस का ये डार्क पिंक कलर है, रानी कलर। इसकी मुझे प्रूनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा स्पेंट फ्लावर्स आ गए हैं इसमें। ये एक और विंका आपको मेरे गार्डन में बहुत ही देखने को मिलेंगे। और ये साल्विया, देखिए मेरे साल्विया में बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने साल्विया फुल केयर पर एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। आप अप्रैल मई में भी इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग ले सकते हैं, आप देखिए। और ये वाइट कलर का विंका, ये तो एकदम बुके जैसे लगता है, पूरा पॉट फ्लावर से भरा रहता है पूरे टाइम। इस वाइट कलर के विंका आपको अपने गार्डन में नहीं मैं 4-5 पॉट में ऐड करना चाहिए, इससे ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और फ्रेंड्स, ये जीनिया है वाइट कलर का, देखिए इसमें भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है विंका। और इधर देखिए बहुत सारे विंका के प्लांट मैंने अलग अलग सेपरेट किए हैं, सब में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें भी देखिए। और ये है पोइनसेटिया, इसकी कटिंग भी मैं रेडी कर ली हूँ, देखिए ये बहुत ही इजीली कटिंग रेडी हो जाती है इसकी। एक बार आप अपने गार्डन में ले आए और आपको प्लांट मल्टीप्लाई करना है तो आप कटिंग से इसको बहुत ही इजीली रेडी कर सकते हैं। और ये है विंका की एक और वैरायटी, और ये देखिए यहाँ पे है मैरीगोल्ड। अभी ये खिल नहीं रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि ये देसी वाले मैरीगोल्ड है, क्योंकि हाइब्रिड जाफरी होते तो अभी तक इतनी हाइट पे तो ये फ्लावरिंग दे चुके होते। देखिए अभी बर्ड्स भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है और प्लांट बहुत ही हरा भरा घना हो रहा है, तो ये देसी ही होगा। और फ्रेंड्स, ये मेरे टिकोमा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये येलो वाला है और ये येलो में रेड एडेड है। और एक और है फ्रेंड्स मेरे पास, प्योर रेड में भी है ये वाला, आप देखिए इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इधर सारे मेरे गजानिया के प्लांट्स रखे हुए हैं, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही। अभी सुबह का समय है इसलिए अच्छे से नहीं खुले हैं इसकी पंखुड़ियाँ, और आज धूप भी नहीं है, मौसम भी ख़राब है। देखिए ये वाइट कलर का है ये वाला, देखिए गजानिया विंटर का प्लांट होता है फ्रेंड, ये विंटर से ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी ये अप्रैल मई दोनों मंथ फ्लावरिंग देंगे, तो आप चाहे तो एक दो प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बूसी अलमांडा, और इसी में मेरा अपराजिता का भी प्लांट है, उसको मुझे सेपरेट करना है, बस मैं थोड़ा सा डर रही हूँ प्लांट बड़ा हो गया है कहीं शॉक में ना चला जाए, तो सोच रही हूँ कि बारिश वारिश होगा उस दिन मैं इसको सेपरेट करूँगी अलग से दूसरे पॉट में। और फ्रेंड्स, इधर मेरे सारे रोज़ के प्लांट रखे हुए हैं, ये चांदनी हाइब्रिड है, और ये कड़ी पत्ता, और देखिए इसमें भी जिनिया अपने आप उगा हुआ है और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये मेरा रोज़ का प्लांट है वाइट रोज़, इसमें देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। और ये मेरे सारे रैन लिली के प्लांट्स जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाए थे, वो भी बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, ये भी उसी में से हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये पोर्चुला का प्लांट है, मॉस रोज भी कहते हैं इसको, और ये ग्रैंडी फ्लोरा वैरायटी के हैं, इसमें बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी तो मैंने पूरी रो तैयार कर ली है, इधर देखिए। यहाँ से वहाँ देखिए आप, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके। और ये पर्सलिन येलो कलर का, और ये रेड कलर का पर्सलिन में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप इसे समर में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और एक और डेंथस कटिंग से रेडी किया हुआ।
फ्रेंड्स, कल मैं नर्सरी गई थी, उधर बाहर गई थी, तो रास्ते में आते आते सर गवर्नमेंट नर्सरी यहाँ का, वहाँ से मैं 5 प्लांट लेके आई हूँ। इसका तो नाम मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स, पर देखिए इसकी हालत कितनी ख़राब है। ऊपर से तो ग्रोथ अच्छा है, लेकिन देखिए नर्सरी में क्या हाल हो जाता है। देखिए इसमें कितने सारे घास फूस भी उगाए हैं। ये सबको मुझे रिमूव करना है, जब रिपोर्ट करूँगी तब इसको अच्छे से साफ सफाई करके मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये रेड कलर का हिबिस्कस भी लेके आई हूँ, इसकी भी हालत दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी जड़ें, देखिए पॉलीवैक्स ऐसे बाहर आ रही है। बहुत ही बुरे कंडीशन में वहाँ प्लांट्स पड़े हुए हैं। प्लांट्स ज़्यादा वैरायटी में तो नहीं है, वही जो लोकल मिल जाते हैं वही प्लांट्स हैं। बहुत सारे लगा के रखे हैं पर अच्छी केयर नहीं हो रही है वहाँ पे। और ये मैं लेके आई हूँ एक जोरा वाइट कलर का, इसका तो देखिए आप पॉलीबैग ही फट गए हैं, पूरा मिट्टी अलग से है। और ये इसको शायद कुलियास बोलते हैं, मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास इसकी एक और वैरायटी पिंक कलर वाला पहले से ही है, और ये डार्क कलर में लेके आई हूँ। और एक और है ये दो प्लांट्स कुलियास के मैं वहाँ से लेके आई। अभी मैं इनको रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, अभी ऑफिस भी जाना है मुझे। बस ये एक जोरा के प्लांट को मैं नया पॉली बैग दे देती हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।